मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि क्या ऐसे हो सकता है, क्या ये चीज एक्सेसिबल होगी, क्या ये ऐप मेरे लायक होगी, क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ, क्या कोई फोन खरीदना हो तो, कुछ भी करना हो तो। बहुत सी चीजें, बहुत से क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि मैं क्या लूँ, मेरे लिए क्या सुटेबल होगा, कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं कोई फोन ले लूँ या कोई डिवाइस ले लूँ और फिर मैं उसको यूज ना कर पाऊँ, या फिर मुझे कोई एक्सेसिबिलिटी इशू आए। तो ऐसे कई सवाल हम अक्सर बहुत सी मेलिंग लिस्ट पे, आजकल व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी देखते हैं और सुनते भी हैं। तो फिलहाल एक सवाल जो है वो बहुत र्यूमर हो रहा है कि क्या हम इनकम टैक्स की ई फाइलिंग कर सकते हैं, क्या ये एक्सेसिबल है। ये वाला सवाल आजकल बहुत जगह मुझे सुनने में आ रहा है, तो मुझे लगा क्यों ना हम ये हमारे लिसनर्स को बताएं कि बिल्कुल क्यों नहीं हम इनकम टैक्स की ई फाइलिंग या हम क्यों नहीं रिटर्न्स फिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ मीना सिंह वीसत, आपके साथ शो है टेक्सिटी का और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो जैसे कि मैंने शुरुआत की कि लोगों को लगता है, लिसनर्स को लगता है या बहुत से लोगों को लगता है कि क्या हम ई फाइलिंग कर सकते हैं क्या, तो इसका जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में है रीना भाटिया दिल्ली से। रीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान के स्टूडियो में। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू मिनल। दोस्तों इसके पहले कि हम कुछ बात करें या फिर सवालों की बरसात करें, मैं आपको बता दूं कि रीना जी आइशन यंग कंपनी में काम करती है और जिसको आप EY के नाम से जानते होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है ये दिल्ली में और ये वहाँ पर इनकम टैक्स का ही काम करती है, ई फाइलिंग का ही काम करती है। तो हमारे जितने भी सवाल हैं उन सब का जवाब आज हमें रीना जी देंगे और हम इनसे सीखेंगे भी कि कैसे हम बिल्कुल एक्सेसिबल तरीके से ई फाइलिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भी मन में कोई सवाल है या कोई डाउट है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल आप हमें पूछ सकते हैं। हमारी मेल आई डी है meenansinghvi@gmail.com या फिर आप mail@radioudan.com पर भी हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, यहाँ पर एक फीडबैक कॉलम आपको मिलेगा, उस पर भी जाकर आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं, अपने सवाल, अपने क्यूरीज, जो भी आपको इनकम टैक्स को लेकर डाउट है वो बिल्कुल आप हमें बेझिझक होकर फीडबैक कॉलम में पूछ सकते हैं। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी हमारे लिसनर्स को कि अगर हमें कहीं पर भी किसी वेबसाइट पे या किसी ऐप में कोई एक्सेसिबिलिटी इशू आता है तो एक बार डेवलपर्स को फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि उन्हें नॉलेज में रहे कि इस चीज की हमें प्रॉब्लम आ रही है या फिर ये एक्सेसिबिलिटी इशू हम फेस करते हैं जब वो वेबसाइट या फिर उनकी ऐप यूज करते हैं। तो रीना जी, वैसे तो सभी लिसनर्स जानते होंगे कि हमारी कितनी अमाउंट के बाद हमें टैक्स लगता है, लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि बेसिक लिमिट कितनी होती है, कितना हम क्लेम कर सकते हैं और टैक्सेबल अमाउंट क्या होती है, कितनी होती है।
बेसिकली लिमिट चेंज होती है, अगर आपकी एज नॉर्मल 60 तक है तो आपकी बेसिक लिमिट 2.5 है, 2.5 में आपको ये इनकम मैसेज, सपोज अगर मेरी इनकम 10 लाख है और मेरे को ATC की लिमिट अलाउड होती है 1.5 लाख, जिसमें हमारा LIC म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई और पॉलिसी लेते हैं लाइफ को लेके, या फिर कोई शेयर्स वगैरह में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, सुकन्या योजना या बैंक का कोई RD वगैरह, वो ATC में कवर होता है। उसके अलावा ATD होता है, अगर हम कोई मेडिकल पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ पॉलिसी, तो वो अप टू 30,000 हमारे लिए नॉर्मल के लिए अलाउड है। उसके अलावा 1,25,000 का ATU का डिसेबल के लिए मिलता है जिनके 100% डिसेबिलिटी है, और 1,00,000 मिलता है जिनकी 100% डिसेबिलिटी नहीं है। वो एक एक्स्ट्रा डिडक्शन होती है जो आपकी इनकम में से माइनस होती है। ये माइनस करने के बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, उसके ऊपर आपके टैक्सेस लगते हैं। और अगर आपकी एज 60 से 80 ईयर्स के बीच है तो आपकी लिमिट 2.5 लाख से बढ़ के आपकी हो जाती है 5 लाख, और 80 ईयर से ऊपर है तो और लिमिट बढ़ जाती है। रीना जी, ये तो आपने बता दी कि कितनी लिमिट्स होती है इनकम टैक्स के लिए, और कैसे कैसे आगे एज बढ़ती है तो टैक्स की लिमिट भी बढ़ जाती है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि कितनी अमाउंट हम कम से कम अप्लाई कर सकते हैं डिडक्शन के लिए, और कितनी अमाउंट, किन किन तरीकों से हम टैक्स के लिए क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन के लिए। एक्चुअली सेक्शंस बने डिडक्शन के, और हर सेक्शन की अलग लिमिट है। बेसिकली सेक्शन बाय सेक्शन चलते हैं। मैक्सिमम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं ATC के अंडर। ATC में कवर होती है चीजें, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, ये गवर्नमेंट की किसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, या अगर हम घर खरीदते हैं उसके लिए अगर हमने कोई लोन ले रखा है किसी बैंक से, उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट का, या हम HRA अगर हम सैलरी में क्लेम नहीं कर रहे तो उसका कुछ बेनिफिट हम यहाँ क्लेम कर सकते हैं, 2,000 पर मंथ का होता है वो। इसकी क्यूमुलेटिव लिमिट होती है 1,50,000 तक जो हम क्लेम कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा एक और 50,000 की मिलती है ATCT1B, आजकल नेशनल पेंशन स्कीम काफी चलती है, अगर आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें नेशनल पेंशन स्कीम में तो आपको 50,000 का एक एक्स्ट्रा मिलता है ATCT1B में। दूसरा होता है ATCT1B2, इसमें होता है कि अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरे लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है NPS के अंदर, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो 10% मेरी सैलरी का जो है उतने तक डिडक्शन अलाउड होता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। इसके अलावा हमारे सेक्शन आते हैं एक ATE, जिसके बारे में लोगों को कम पता होता है कि अगर मैं अपने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन ले रही हूँ या स्टडीज करने के लिए कोई लोन लेती हूँ, उससे हम इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को, तो उस इंटरेस्ट की मुझे डिडक्शन मिलती है ATE के अंदर। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जरूरी लगता है मुझे होना चाहिए, जैसे हमें लगता है बैंक अकाउंट हमसे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट में नॉर्मल सेविंग, जैसे मेरे बैंक में मनी पड़ा है उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी हमें बताना होता है इनकम टैक्स रिटर्न में। और उसमें भी जैसे मैं डिडक्शंस की बात कर रही थी ATC, उसी तरह ATTD में सेविंग इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें अलाउड होता है 10,000 तक। अगर मेरे बैंक से मुझे 10,000 तक का इंटरेस्ट मिला है तो वो मैं इनकम में दिखा के नीचे डिडक्शन क्लेम कर सकती हूँ। फिर ATD होता है मेडिकल बेनिफिट के लिए, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं अपने लिए
30,000 से 50,000 तक है। अगर मैं अपने लिए कर रही हूँ तो 25,000 तक वो मिलता है। 5,000 का कैश रिसीव चेकअप, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करने, हमने कैश में पैसे दे दिए तो वो 5,000 तक का ओवरऑल अलाउड होता है। उसके अलावा अगर हम मैं कह रही हूँ मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन है, मैं उनके लिए भी मेडिकल का फैसिलिटी ले रही हूँ। अगर मैं अर्निंग मेंबर हूँ, अपनी पेरेंट्स की पॉलिसी ले ली है मैंने अपने आप तरफ से, वो लोग अर्निंग नहीं है तो उसका मैं एक्स्ट्रा क्लेम कर सकती हूँ, वो भी एक्सीड हो जाता है 30-35,000 का। फिर और सेक्शन आते हैं, ATU जाता है डिसेबिलिटी के लिए, अगर 100% डिसेबिलिटी है आपको डिडक्शन मिलती है 1,25,000 की। अगर आपकी पार्शल डिसेबिलिटी है तो आपको मिलता है 1,00,000 तक का डिडक्शन। ये मेजर सेक्शन है जिनमें हम मैक्सिमम बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सेक्शन है जो इतना फ्रीक्वेंट यूज नहीं होते पर ये मेजर है। एक आते है ATG, जिसमें सपोज मोस्टली हम लोग काफी डोनेशन वगैरह का पे करते हैं तो उसमें हमें क्या तरह से डोनेशन का बेनिफिट मिलता है। अगर हम गवर्नमेंट के नेशनल स्कीम रिलीफ फंड में दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू रिलीफ फंड, इन सब में दे रहे हैं तो आपको 100% ऑफ अमाउंट का इक्विवेलेंट मिलता है। पर अगर हम कुछ और NGOs को दे रहे हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हैं जो रजिस्टर्ड है, जिनके पास सेक्शन 80G का सर्टिफिकेट है, तो 50% ऑफ आपका अमाउंट अलाउड होता है। पर अगर उन्होंने स्पेशल सर्टिफिकेट ले रखा है तो उसका 100% भी अलाउड हो जाता है। तो ये सब मिला के मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 3,00,000 तक का बेनिफिट हम लोग क्लेम कर सकते हैं। रीना जी, नॉर्मली शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे और मुझे भी खुद को इस चीज के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जैसे टैक्स, मुझे कितना टैक्स भरना है ये मुझे कैसे पता लगेगा? तो क्या इसका कोई स्केल होता है या कोई चार्ट होती है जिससे हमें पता लगे कि हमें इतना टैक्स फिल करना है? हाँ जी बिल्कुल, इसकी स्लैब्स बने हुए, ये आपको आसानी से इनकम टैक्स की साइट पे भी मिल जाता है। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बेसिक बता दूं, 60 इयर्स की एज तक के इंसान अगर रिटर्न फाइलिंग करे, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख तक है डिडक्शन क्लेम करने के बाद, तो उनको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख तक उनका टैक्स लगता है 5%, यानी कि 2.5 लाख पे 5% 12,500। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच इनकम है तो उनका लगेगा 20% टैक्स, यानी कि आपको अगले 2.5 लाख पे 20% टैक्स लगेगा। और आपका 10 लाख से अगर ऊपर की इनकम है तो आपको टैक्स लगता है 30%। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरी इनकम है 11 लाख, तो मैं क्या करूंगी, 11 लाख में से सीधा 10 लाख माइनस कर दूंगी, बाकी 1 लाख पे मैं 30% निकाल दूंगी। अब बात आती है 10 लाख की, पहले 2.5 लाख पे मेरा टैक्स जीरो है, 2.5 लाख से 5 लाख तक मेरा टैक्स है 5%, यानी कि 2.5 लाख का 5% बनता है 12,500। अब 5 लाख से 10 लाख तक अगली 5 लाख की इनकम में मेरा टैक्स है 20% टैक्स, 10% का स्लैब हटके 5%, 20%, तो 5 लाख पे 20% बनता है 1 लाख, और 10 लाख के बाद तो 30% है ये। तो हम क्या करते हैं, जितने अगर मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो मैं सीधा 10 लाख माइनस करती हूँ, रिमेनिंग इनकम में 30% निकालूंगी, 1,12,500 डायरेक्ट ऐड कर दूंगी, तो वो मेरा टोटल टैक्स हो गया। तो उसपे बेसिकली इन टोटल 10 लाख तक आपका टैक्स बनता है 1,12,500। अगर सपोज मेरी इनकम 1 लाख है तो मैं सीधा क्या करूंगी, 5 लाख माइनस कर दूंगी, बाकी इनकम पे 20% निकालूंगी,
और उसमें ऐड कर दूंगी 12,500। सिंप्लिसिटी के लिए 2.5 लाख तक आपका टैक्स जीरो होता है, 6 लाख से 5 लाख तक आपका टैक्स 5% होता है, 2.5 लाख पे 5% और 5 लाख से 10 लाख के बीच आपका टैक्स होता है 20%, 10 लाख के ऊपर आपका टैक्स होता है 30%। माय गॉड, बहुत बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मेरे लिए। तो हो सकता है हमारे बहुत से लिसनर्स को समझ आ गया होगा, लेकिन बहुत से लिसनर्स मेरे जैसे भी होंगे जिन्हें इतनी जल्दी से समझ नहीं आता। और ये तो मतलब इतना बड़ा स्केल याद रख पाना भी बहुत मुश्किल है। ये तो हम छोटी अमाउंट की बात कर रहे हैं, आगे जैसे जैसे बड़ी अमाउंट होगी तो और ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगा। वेल रीना जी, आपने बताया कि बिगनिंग के 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं लगता, उसके बाद 5 लाख तक हमें 5% टैक्स लगता है, यानी कि जो 2.5 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट है, 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख, तो 2.5 लाख पर हमें 5% टैक्स लगेगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख की जो अमाउंट है उसमें हमें 20% टैक्स लगेगा, और 10% के बाद हमें लगेगा 30% टैक्स। तो सपोज करिए कि मेरी इनकम 5,50,000 है, या फिर 6 लाख है, या फिर 7 लाख है, तो इस पे मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? अगर सपोज करिए कि मेरी इनकम 5,50,000 है, तो मुझे 50,000 पे 20% टैक्स देना पड़ेगा, या पूरे 5,50,000 पे 20% टैक्स देना पड़ेगा? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं चाहूंगी कि एक बार आप पहले दोबारा से समझाइए, ताकि हमारे बाकी के लेसन को भी इजीली समझ आ जाए कि एक्चुअली ये स्केल है क्या। बेसिकली मिनरल क्या होता है, टैक्स स्लैब बने हुए एज वाइज डिफर करते हैं, पर जनरली 60 ईयर्स के एज तक के पर्सन के लिए स्लैब रेट इस तरह चलता है। पहली 2.5 लाख की इनकम अगर आपकी है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, इट इज टोटली एग्जेम्प्ट। एनी इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख, बिटवीन 5 लाख, यू हैव टू पे अ टैक्स ऑफ 5%। आपको 5% का टैक्स उस पर पे करना होता है। इनकम 5 लाख से ऊपर है, कितनी भी है, इवन आपकी इनकम अगर 50,000 ऊपर भी जा रही है, तो जो इनकम आपकी 5 लाख से एक्सीड कर रही है आपको उस पर टैक्स देना होता है 20% के रेट पे, और 10 लाख की एक्सीडिंग इनकम पे आपको टैक्स देना होता है 30% की रेट पे। यानी कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, टोटल इनकम का 2.5 लाख जीरो, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स, इनकम एक्सीडिंग 10 लाख 30% टैक्स। और इस टैक्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा लगता है 3% का एजुकेशन सेस, यानी कि जो आपका टैक्स बना है उस पे 3% और देना पड़ता है। पर अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर रही है, आपको एक और चीज लगती है सरचार्ज, जो एडिशनल होता है 15%, वो तब लगता है अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा रही है। अब मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स को ये वाला स्केल जो आपने बताया इनकम टैक्स वाला, वो समझ आ गया होगा। और वैसे भी धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करेंगे इस ई फाइलिंग पर, तो और भी ज्यादा क्लियर होते रहेगा लिसनर्स को। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है लिसनर्स, तो आप हमें फोन करके या फिर आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी है मीनल सिंघवी, MINLSINGHVI, ये मेरी मेल आईडी है। इस पर meenasinghvi@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है, इस पर आप मुझे मेल कर पूछ सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल आप हमें मेल करिएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.tradeudaan.com, यहाँ पर भी जाकर फीडबैक कॉलम में अपने क्यूरीज पूछ सकते हैं। बहुत से लिसनर्स के जो डाउट थे इनकम टैक्स को लेकर, मुझे लगता है कि काफी हद तक वो क्लियर होंगे। और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी था कि हमें मतलब क्या करना है, कैसे फाइलिंग करना है, कितना हमें टैक्स भरना होगा, क्या फॉर्म हमें लेने होंगे, इस तरीके के अभी और बहुत से सवाल है लिसनर्स के। तो रीना जी, जैसे कि अब तक हमने बात कर लेगी कितना हम टैक्स क्लेम कर सकते हैं, कितना टैक्स हमें भरना होता है, कितनी इनकम पे कितना टैक्स हमें भरना होता है, इस तरीके के काफी सारे क्यूरीज हमने क्लियर कर ली। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम ई फाइलिंग अभी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, और इनकी डेट्स क्या होती है, इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?
मिनल, हमारी जनरली ड्यू डेट हर साल 31 जुलाई को खत्म होती है रिटर्न फाइलिंग की, और जो जून में फॉर्म निकलते हैं, मई 15 मई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स निकालती है यूटिलिटीज, जिसमें हम ई फाइलिंग करते हैं। और ई फाइलिंग के लिए हमें चाहिए होते कुछ डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले अगर हम जॉब पे एम्प्लॉयमेंट में है कहीं, तो हमें हमारे एम्प्लॉयर से मिलता है फॉर्म 16, जो 15 जून के बाद आपका एम्प्लॉयर देता है, जिसमें आपकी डिटेल्स आती है कि आपने एनुअली कितनी इनकम अर्न की, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितनी सैलरी दी, जिसके बेस पे आपकी सैलरी इनकम आती है। दूसरा होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर्म 26S, जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न लॉगिन अकाउंट से निकलता है, जिसमें आप अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट है, उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, आपके बैंक ने आपका कितना टैक्स काटा है, वो आपको फॉर्म 26S के थ्रू पता चलता है। रीना जी, आपने फॉर्म 16 की बात की, लेकिन फॉर्म 16 तो बेसिकली एम्प्लॉयज को मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। लेकिन सपोज करिए कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर से ही अपना ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, तो ऐसे में मुझे फॉर्म 16 तो नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को फॉर्म 16 नहीं मिलता, वो लोग ई फाइलिंग कैसे करते हैं, उन्हें ई फाइलिंग करने का उनके लिए क्या प्रोसेस होगा? बेसिकली जिनको फॉर्म 16 नहीं मिलती मिनल, उनके गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन दे रखे कि अगर आप अपना टैक्स पे करना चाहते हो, तो आपको 4 डेट्स दी गई हैं, जिसमें आपको अपने परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज बताए, उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। जैसे 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, इसमें बताया गया है कि आपको 30%, 45%, 75%, 100% इस तरह से आपकी इनकम का परसेंटेज पे टैक्स पे करना होता है। आपका इसमें टैक्स स्लैब सेम एप्लीकेबल होगा जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जैसे आपने समझाया कि पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। तो उसी तरह से हम अपना टैक्स निकालेंगे, और 15 जून को हमारी जितनी इनकम है, टोटल इनकम साल की जितनी होनी चाहिए, उसमें से 30% इनकम पे टैक्स निकाल के जमा कर देंगे। अगली डेट आते है आपकी 15 सितंबर, 15 सितंबर को आपको अपनी इनकम के 45% इनकम पे टैक्स पे करना है। आप कैलकुलेट करेंगे 45% इनकम पे जो टैक्स बनता है, उसमें से माइनस करेंगे जो आप टैक्स पहले पे कर चुके हैं, और रिमेनिंग टैक्स आप डिपॉजिट कर देंगे। अगली डेट आती है आपकी 15 दिसंबर, जिसमें 75% इनकम जो आपकी बनती है, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और जो टोटल टैक्स बनेगा उसमें से दोनों पहले के टैक्सेस अगर आपने पे किए वो माइनस करके बैलेंस टैक्स डिपॉजिट कर देंगे, और 15 मार्च को आप टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हुए आप जो पहले डिपॉजिट कर चुके हैं वो माइनस करने के बाद बैलेंस टैक्स एडवांस टैक्स की तरह डिपॉजिट करती है, और एडवांस टैक्स आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं इजीली, या बैंक में जाके भी ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बैंक में जाएंगे तो आपको बैंक एक चलान भरवाता है, रिसीट भरवाता है, वहाँ पे आपसे पेमेंट होती है, आपको रिसीट मिलती है। वैसे ऑनलाइन जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग में मनी ट्रांसफर करते हैं दूसरे अकाउंट में, उसी तरह से कुछ रजिस्टर्ड बैंक के थ्रू आप नॉर्मल ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, और ये एक्सेसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बेसिक क्वेश्चन होता है, आपको अपना पैन नंबर डालना होता है, आपका अमाउंट डालना होता है, आपका कितना टैक्स है, कितना आप एजुकेशन से वो डालना होता है, और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं और साल के आखिर में करते हैं, तो आपको हर महीने 1% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। जैसे मैंने बताया 30% इनकम पे आपको टैक्स पे करना है, अगर आप नहीं करते
तो आपको उसके बाद अगले 3 महीने के लिए 30% इनकम में 1% का इंटरेस्ट लगे हर महीना, पर मंथ 1% इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। 15 सितंबर के बाद आपको 45% की इनकम पे 1% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल है अगर आपने पे नहीं किया। 15 दिसंबर के बाद 75% इनकम पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, 15 मार्च के बाद 100% इनकम पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 1% पर मंथ के हिसाब से। दोस्तों ये जो स्केल थी जिसकी बात रीना जी अभी भी कर रही थी, ये थी एडवांस टैक्स की स्केल, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। जो बेसिकली जिनको फॉर्म 16 नहीं मिलता उनके लिए ये स्केल होती है, जैसे कि इनकम टैक्स की जो नॉर्मल स्केल होती है उसी के मुताबिक आपको जो गवर्नमेंट की 4 डेट दी गई है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, इन चारों डेट पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आपको टैक्स फिल करना होगा, जैसे कि रीना जी ने बताया। तो जून 15 को आपको जितनी भी आपकी इनकम है उसमें 30% इनकम निकालकर उसमें से जितना आपका टैक्स बनता है वो निकालकर आपको 15 जून को पे करना होगा। उसके बाद 15 सितंबर को जो आपकी जितनी भी इनकम है उसका 45% निकालकर उसमें से जितना भी टैक्स बनता है उस टैक्स में से जितना अमाउंट हम 15 जून को पे कर चुके हैं उतना अमाउंट निकालकर रिमेनिंग अमाउंट हमें पे करना होगा 15 सितंबर को। इसके बाद जो दिसंबर 15 की जो डेट है उस वक्त आपको अपने इनकम की 75% इनकम निकालकर उसमें से जितना टैक्स बनता है वो निकालकर उसमें से जितना हम पे कर चुके हैं 15 सितंबर को उतनी अमाउंट कट कर रिमेनिंग अमाउंट हमें 15 दिसंबर को पे करनी होती है। उसके बाद जो 15 मार्च की जो लास्ट डेट आती है उस वक्त हमें अपने 100% इनकम का टैक्स निकालकर उसमें से 75% टैक्स को कट कर हमें पे करना होगा, यानी कि रिमेनिंग जो 25% का टैक्स है वो हमें 15 मार्च को पे करना होगा। तो रीना जी एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर मैं ई फाइलिंग नहीं करूँ, अगर मैं कोई टैक्स नहीं फिल करूँ तो क्या इसकी मुझे कोई पेनल्टी लगेगी या कोई चार्ज? हम बिल्कुल, एक्चुअली अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और भी आपको इसकी पेनल्टी होती है। अगर आप ड्यू डेट जो है 31 जुलाई जनरली होती है उसके बाद रिटर्न फाइल करती है या नहीं करती तो 5000 की पेनल्टी तो आपको है ही है। इसके अलावा इस बार से कुछ नई एडिशन पेनल्टीज भी जोड़ी गई है, जिसमें ये है कि अगर आप 15 दिसंबर तक आप अगर आप रिटर्न फाइल कर रही हैं, 15 जुलाई के बाद कर रही हैं पर 15 दिसंबर तक कर लेती हैं तो आपको पेनल्टी लगती है 1000 की। अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है, आपकी लिमिट इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1000 की पेनल्टी लगेगी, पर अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है और आप 15 दिसंबर तक फाइल करती है तो आपको पेनल्टी लगती है 5000 की। 15 दिसंबर की बात करती है तो आपको पेनल्टी लगेगी 10000 की, और इसके अलावा आपको फाइन लगता है एक्स्ट्रा 271 सेक्शन सी में, वो तो 5000 लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा डिपेंड करता है असेसिंग ऑफिसर पे, आपके इनकम टैक्स ऑफिसर पे, तो एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगा सकता है कि जितना आपका टैक्स बनता है उसका 300% टैक्स आपको चार्ज किया जा सकता है। तो इसके काफी लॉस है, इसलिए हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि आपका अगर पैन नंबर रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स साइट पे तो वहाँ पे चेक होता है और आपके 26 डेज में दिखता है कि आपने कितनी इनकम अर्न की और आपका कितना टैक्स कटा है। तो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है और पेनल्टीज भी लग सकती है। ये तो वाकई में बड़े रिस्क वाली बात है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो बड़ी जबरदस्त पड़ती है, सभी जानते हैं कि सब कुछ सील किया कर लिया जाता है
हालांकि हमने ज्यादातर पिक्चरों में ही देखा है, हकीकत में तो बहुत कम देखने को मिलता है, बट हाँ होता है, इनकम टैक्स रेट बढ़ती जरूर है। तो रीना जी, उन लोगों की जिनकी सैलरी टैक्सेबल नहीं होती, की मतलब पूरा डिडक्शन के बाद क्लेम करने के बाद 2.5 लाख तक उनकी अगर सैलरी है या उससे कम है, तो क्या ऐसे लोगों को भी रिटर्न्स भरना चाहिए, और अगर भरना चाहिए तो इनके लिए क्या फॉर्म होंगे? जनरली कोई फॉर्म नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर फिर भी हम लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ITR फाइलिंग लॉ कहता है कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, सपोज 2.5 लाख की इस बार टैक्सेबल लिमिट है जो हम डिडक्शंस के बाद लेते हैं, जिसमें हमारे ATC, LIC या ATU डिसेबल का जो बेनिफिट मिलता है या कोई और मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह, उसका हटा के अगर 2.5 लाख से नीचे है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर फिर भी आपके पास चॉइस होती है कि आप एज अ लो इनकम फाइल करके नील टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पर मैंडेटरी नहीं है। पर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम है तो आपको फाइल करनी कंपल्सरी है। रीना जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन फॉर्म्स की आप बात कर रही थी फाइलिंग के लिए, तो ये फॉर्म्स हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें मतलब इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या ये हमें ऑनलाइन फिल करना होता है या फिर हमें इनको ऑफलाइन डाउनलोड करके फिल करके फिर अपलोड करना होता है, एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली हर साल यूटिलिटीज 3-4 तरह की यूटिलिटीज होती है जो इनकम टैक्स वेबसाइट पे सारी अपलोड होती है, वहां से हमें डाउनलोड करनी होती है। अगर हम इस साल के लिए बात करें, इस साल के लिए जनरली 4 यूटिलिटीज निकली है बेसिकली, जिसमें से हम नॉर्मली ITR 1 और ITR 2 मेन होती है जो इंडिविजुअल्स के लिए है, जैसे हर नॉर्मल इंसान कंपनीज के अलावा इंडिविजुअल्स के लिए ITR 1 और 2 मेन होती है। ITR 1 होती है जिस इंसान की, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी सैलरी इनकम नॉर्मल सैलरी इनकम में 50 लाख से कम है और सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है और कोई रेंटल इनकम नहीं है, तो उसको ITR 1 भरनी होती है। पर अगर किसी की सैलरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है एनुअल इनकम, तो उसको ITR 2 भरनी जरूरी होती है। या किसी इंसान की एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, एक से ज़्यादा घर है उसके पास, चाहे वो रेंट पे हैं चाहे अपने पास है, तो भी उसको ITR 2 भरनी ज़रूरी है। वैसे ITR 3 होती है जिसका कोई अपना साथ में, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं कोई सर्विस दे रहे लॉयर की या CA की, CS की, या अपना कोई इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो वो ITR 3 में चला जाता है, और कोई बिजनेस कर रहा है तो वो ITR 4 में चला जाता है। ओके, बेसिकली हमें ई फाइलिंग के लिए सबसे पहले जरूरत होती है इन फॉर्म्स की, ITRs की। तो इन ITR को फिल करने के लिए मैम हमें किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए अपने ITR फिल करने के लिए, कौन सी ITR के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? अगर आप ITR 1 भर रहे हैं और ITR 2 भर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपको फॉर्म 16 चाहिए होता है। आपके बैंक से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, बैंक स्टेटमेंट, जिसमें पता चलता है आपको साल का कितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया, चाहे वो सेविंग बैंक से हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट से हो, चाहे रेकरिंग डिपॉजिट से हो, टर्म डिपॉजिट कुछ भी हो, वो चाहिए होता है। अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी है, सपोज कभी कभी हम घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, तो वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है बैंक से कि आपने साल में कितना इंटरेस्ट बैंक को पे किया है उस लोन के अगेंस्ट, ये डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं इंडिविजुअल के केस में जिसकी सैलरी और रेंटल इनकम है। पर अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपके एनुअल रिपोर्ट, आपकी बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो एज पर
रिक्वायरमेंट होता है, बिजनेस वालों की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। हाँ, जिनकी इनकम 50 लाख से एक्सीड भी कर रही है, पर अगर सिर्फ सैलरी इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी है या थोड़ा बहुत शेयर्स, जैसे कभी कभी हम लोग से शेयर्स खरीदते हैं कुछ लोग और बेच देते हैं, उनके लिए सिर्फ आईटीआर 1 और 2 में ही मेजरली लोग भर देते हैं। जो अलग से अपना बिजनेस करे वो बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए आईटीआर 4 या 3 जाती है। नॉर्मली मेजर लोग आईटीआर 1 और 2 भरते हैं। कि जैसे हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे क्या क्या जरूरी है, वैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए मैं पहले उसमें ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हमने फॉर्म 1626 की बात की, वैसे ही जरूरी है कि आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और आपका पैन नंबर इनकम टैक्स साइट पे रजिस्टर होना चाहिए। यानी कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें इनकम टैक्स वेबसाइट पे, लॉगिन क्रिएट करें, क्योंकि उसके बिना आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। वैसे मैं बता दूं हमारे लिसनर्स को कि बहुत पहले हमने जब वेबिजन का एक शो किया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैसे रजिस्टर करते हैं, लेकिन खैर अब वो बहुत पुरानी बात हो गई और अब हम ये शो स्पेशली इनकम टैक्स के लिए ही कर रहे हैं, तो एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं और चलिए हम एक बार सीख लेते हैं दोबारा से कि कैसे हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर करना होता है, अपना पैन नंबर और अपनी डिटेल्स। तो चलिए सबसे पहले हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने पोर्टेबल फायरफॉक्स पे एंटर करना होगा और उसके बाद हम गूगल में सर्च करते हैं इनकम टैक्स। Windows M, desktop, folder view list new, minus 28 of 30 F, folder view list Firefox portable.x, enter, ST, Mozilla Firefox about when, go boom alert, you are logged into WebVisum, you are logged into WebVisum, close this message, go boom boom go, Mozilla Firefox I, N, N, go C, O, M, E, come, T, A, X, tax, enter, income tax, Google search. Four regions, 16 headings and 49 links. Search results heading level 2, e-filing homepage, income tax, log in heading level 3 link visited. Enter. Go, 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 Mozilla Firefox read only. Tab panel, main region, login heading level 3 link. Login heading level 3 link. Login Mozilla Firefox, login, free read banner. Link graphic e-filing income, navigation region. User ID star edit, password star. Password edit star, password captcha code. Graphic type the text in the image. Link refresh captcha. Link listen to the captcha. Enter captcha star. Blank edit, enter captcha star, blank, blank. Login button. Link forgot password, new users. Visited link register. Enter. Loading dot 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 dialog, loading dot dot dot. Login Mozilla Firefox, free regions, 1 heading and 31 links. Heading level 1 registrate, select user type star. Combo box select. Enter. Select user type star combo, individual. Tab select button. Space. Tab continue button. Enter. Loading dot 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 dialog, loading dot dot dot. Registration Mozilla Firefox, free regions, 2 headings and 31 links. Link. Heading level 1 registration form individual. List of 4 items. Step 1, enter basic details. Step 2, registration form. Step 3, registration verification. Step 4, registration successful. List end. Please provide below details as per your PAN. PAN star. Blank edit. PAN star edit. Type in text. D. BDBPJ tab. Surname star edit. Type in text. S. I. N. G. H. V. I. Singly tab. Middle name edit. Type in text. Tab. First name edit. Type in text. R. O. W. N. Tab. Date of birth. DD slash MM slash YYY star edit. Type in text. 0. 9. Slash. 0 2. Slash 1 9 9 0 Tab resident radio button not checked 1 of 2 to change the selection press up or down arrow. Non-resident radio button checked 2 of 2 resident radio button checked 1 of 2 to change the selection tab continue button. Enter loading dot 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 dialog loading dot 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 registration Mozilla Firefox 3 regions 2 headings and 28-0 length. Confirm password star. 0 length password edit star password star password details read only edit resident residential status star. Read only edit resident password details password star password edit star password edit password edit. Star. 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 Tab. Confirm password. Star. Password. Edit. Type in. Type in text. Star. 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 Tab. Primary secret question. Star. Combo box. Select to change the selection. What is your oldest sibling's brother or sister first name? Tab. Select button. Space. Tab, primary secret answer star edit, type in text. A, N, S, H, U, L, Angel, tab, secondary secret question star combo box, select, what school did you attend for 6th grade slash class?
In what city does your nearest sibling live? Tab, secondary secret answer star edit, type in text. H, Y, D, E, R, A, B, A, D, I, Therapid, tab, read only edit 91. Landline number, read only edit 91. Tab, landline number edit, type in text. 6, 5, 2, 3, 4, 5, 5. Tab, read only edit 91. Tab, fax number edit, type in text. Tab, read only edit 91. Tab, primary mobile number star edit, type in text. 8, 8, 6, 5, 5, tab, primary mobile number belongs to star combo box, select to change the selection, use the arrow keys. Self. Tab, read only edit 91. Tab, secondary mobile number India no, edit, type in text. Tab, secondary mobile number belongs to combo box, self. Tab, primary email ID star edit, type in text. M, I, N, A, L, S, I, N, G, H, V, I. Middle Sigley at G, M, A, I, L, Gmail, C, O, M, com, tab, primary email ID belongs to star combo box, select, self, tab, secondary email ID edit, type in text, G, M, A, I, L, Gmail, C, O, M, com, tab, secondary email ID belongs to combo box, select, self, tab, country star combo box, India, to change the selection, use tab, select button, space, tab, flat slash door slash building star edit, type in text, the Therapid, tab, road slash street edit, type in text, Baser. Tab, area slash locality star edit, type in text. Tab, pin code star edit, type in text. 5, 0, 0, tab, district slash city star combo box, select to change the selection, use the arrow keys. Hyderabad. Tab, state star read only edit, Telangana. Tab, continue button. Enter, confirm button. Back button, email ID, click on confirm button to proceed further or click on apostrophe back button to change the details. That's a given primary mobile number and primary OTP list of one item, blank. List of one item OTP 1 will be sent to 8-6-5-2-3-4-5-5-5 and OTP 2 will be sent to middlesigley@gmail.com. These OTPs are required to complete your registration process. Ensure that the given primary mobile number and primary email ID are correct and are in use. If you are a non-resident, only one OTP will be sent only to primary email ID. Click on confirm button to proceed further or click on apostrophe back button to change the details. List end. Confirm button. Enter, alert, incoming tax, alert, incoming tax, and defiling.gov.in, incoming tax, and defiling.gov.in. Register, for register, email OTP star edit. Mobile OTP star edit. Enter, mobile OTP star edit, type in text. 371, blank, edit, email OTP star edit, type in text. 481, tab, mobile OTP star edit, 4z tab, validate button. Enter, loading dot 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 dialog, loading dot dot alert, incoming tax, and defiling.gov.in, incoming tax, and defiling.gov.in. Would you like Firefox to remember link? Heading level 1 registration form successful. List of 4 items. Step 1, enter basic details. Step 2, registration form. Step 3, registration verification. Step 4, registration successful. List end. Blank. Thank you for registering in e-filing. Your transaction ID. 4, 6, 5, 0, 5, 7, 4, 5, 7. Blank. Your user ID is BPP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 P
Land. In case of any queries, please contact 1-800-425-00025. तो सबसे पहले मैंने गूगल में इनकम टैक्स लिखा और उसके बाद सेकंड हेडिंग थी वहाँ पर लॉगिन की, उस पर एंटर किया। इनकम टैक्स की लॉगिन वाली जो वेबसाइट है उस पर हम पहुँच गए। वहाँ पर हमने क्लिक किया रजिस्टर बटन, न्यू यूजर बटन या रजिस्टर बटन पे वहाँ पर हमें क्लिक करना है और उसके बाद जो डिटेल उसने मांगी है वो हमें फिलअप करते रहना है। वहाँ पर वो हमारी पैन कार्ड डिटेल पूछेगा, वो हमें देना है, लास्ट नेम, मिडल नेम, फर्स्ट नेम वो हमें देना है, डेट ऑफ बर्थ हमें देना है, पासवर्ड भी स्ट्रांग होना जरूरी है। तो स्ट्रांग पासवर्ड के लिए एक कैपिटल, एक स्मार्ट लेटर जैसे कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 या @ एक्सप्लेनेशन डॉलर ऐसा कुछ भी, स्टार, एक ऐसा साइन होना जरूरी है और नंबर भी होना जरूरी है, यानी कि तीनों भी अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट और एक स्मार्ट लेटर और उसके बाद नंबर भी लेना जरूरी है। और मिनिमम 8 लेटर्स का तो हमें पासवर्ड लेना ही लेना है, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम लेंगे तो आपका अटक जाएगा, रजिस्टर नहीं होगा। और जो भी डिटेल वहाँ पर पूछ रहा है वो आपको फिल करते रहना है। आपने सुना होगा कि जो जो मैंने अपने हिसाब से किया है उसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चंस उसने पूछे हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इतना फिल होने के बाद जो मोबाइल नंबर वहाँ पर पूछा गया है, याद रखिएगा कि प्राइमरी नंबर और सेकेंडरी नंबर अलग अलग होने चाहिए और प्राइमरी मेल आईडी और सेकेंडरी मेल आईडी दोनों भी अलग अलग होनी चाहिए, अदरवाइज ये हमें आगे क्लिक नहीं करने देगा।
रिसेप्शन की एक खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी मिस्टेक हम कर रहे हैं वो हमें रीड आउट करके बता रहा है। तो अगर आप कंटिन्यू पर हिट करने के बाद अगर वो आपको प्रोसीड नहीं करने दे रहा है तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि कहाँ पर आपको एरर आ रहा है और उस कॉलम को फिर से करेक्ट करके फिर आप प्रोसीड करिएगा तो आपका आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। सारी कंप्लीट डिटेल होने के बाद हमें दो ओटीपी आएगी। एक बार पहले कंफर्मेशन के लिए एक आएगा कि अगर आपका नंबर और मेल आईडी अगर करेक्ट है तो आपको प्रोसीड करना है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप बैक कर सकते हो। तो वहां पर अगर आपका सही है सब कुछ तो फिर आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपको दो ओटीपी आएगी, एक आपके मोबाइल नंबर पर और एक आपकी मेल आईडी पर। तो दोनों भी ओटीपी आपको फिल करना है। अगर सब कुछ सही से फिल हो गया है तो आपको वहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद ई फाइलिंग, यानी कि इनकम टैक्स पे हमारा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है। रीना जी, अब हमने रजिस्टर भी कर लिया है तो रजिस्टर करने के बाद अब हमें क्या करना होगा? बेसिकली लॉगिन करने के बाद जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फॉर्म 26 चेक करें, जिसमें हमारे को पता चलता है कि हमें क्या क्या इनकम मिली है और किस किस इनकम पे कितना टैक्स कटा है, चाहे वो बैंक के थ्रू हो, चाहे किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो या एम्प्लॉयर के थ्रू हो। तो हम एक बार लॉगिन करके अपना 26 डाउनलोड करते हैं, जो हमें मेन चाहिए होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए फॉर्म 16 के साथ। तो हम फॉर्म 26 के लिए सबसे पहले हम गूगल पे लिखेंगे, गूगल क्रोम यूज करेंगे या वेबिसम के थ्रू करेंगे ताकि हमें कैप्चा का प्रॉब्लम ना हो। तो गूगल क्रोम के थ्रू अगर हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे हम इनकम टैक्स ई फाइलिंग, तो वो हमें लिंक दिखाएगा। तो हमें सबसे पहला लिंक ही इनकम टैक्स का मिलता है, उस पर हम एंटर करेंगे और हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन पे एंटर करते ही हमें डालना होता है अपना यूजर आईडी, जो हमेशा रहेगा हमारा पैन। एग्जांपल पैन हमेशा 10 डिजिट का होता है, जिसमें पहले 5 अल्फाबेट्स होते हैं, 4 नंबर्स होते हैं और लास्ट अल्फाबेट होता है। जैसे सपोज मेरा पैन है ABCDE1234M, तो मैं यूजर नेम की जगह डालूंगी अपना पैन आईडी। और फिर डालते हम पासवर्ड जो भी हमने सेट कर रखा होता है, उसके बाद कैप्चा और लॉगिन कर देंगे। Windows M Desktop F Firefox Portable.x/enter/sp Mozilla Firefox Alert, you are logged into WebVisum, you are logged into WebVisum, close this message, Golu Molu Molu Golu, Mozilla Firefox Tab Panel Search Region, Golu Molu Molu Golu, Golu Molu Molu Golu, Mozilla Firefox Read Only Tab Panel Search Search Region, Search Edit Combo INCOME Income TAX Tax Enter Income Tax Google Search Mozilla Firefox Search 4 regions 18 headings and 57 links. Search results heading level 2 E-filing homepage Income Tax Department Government of India heading level 3 link visited. Enter. Golu Molu Molu Golu Mozilla Firefox Read Only Tab Panel Main Region E-Filing Homepage Income Tax Department Government of India Heading Level 3 Link E-Filing Homepage Income Tax Department Government of India Heading Level 3 Link E-Filing Homepage Income Tax Department Government of India Dialog File Your Return Number Before 31st July 2018 and Avoid Paying Late Fee Up to 5000 Continue to Homepage Graphic Avoid Paying Late Fee Up to Continue to Homepage Button Enter E-Filing Homepage Income Tax Department Government of India E-filing homepage, Income Tax Department, Government of India. Register yourself, heading level 1 button. Login here, heading level 1 button. Enter. Login here, heading level 1 button. E-filing homepage, Income Tax Department, Government of India, Mozilla Firefox. 3 regions, 2 headings and 27 links. User ID star edit. Enter. User ID star edit. Type in text. Password star password edit. Type in text. Star.
Star, star. Star, star, star. Tab, refresh capture link. Tab, listen to the capture link. Enter. E, J, R, H, R, B. Tab, enter capture star edit. Enter. Alert, the capture was submitted to WebVisum. You will be notified when the result is ready. The capture was submitted to WebVisum. You will be notified when the result is ready. Close this message. Alert, the capture result. Pasted. Visited link, forgot password. Login button. Blank. Checkbox checked. Request OTP. Visually challenged users can use the below OTP option instead of circle bullet circ password star. Tab, checkbox and tab. Login button. To activate, press spacebar. And alert, alert, portal.incom attacks and defiling.gov.in, portal.incom attacks and defiling.gov.in. Would you like Firefox to remember this password? Would you like Firefox to remember this password? Dashboard, dashboard, banner, link graphic, effling logo, navigation region, list of 5 items, link downloads, link feedback, link accessibility options, a link contact us, link help, list end, navigation region end. Filing of income tax return, heading level 3 link, heading level 3 link view return slash forms, blank, heading level 1 important, heading level 2 introducing, heading level 2 link apostrophe service request, heading level list of 5 items. Links list dialog, links list view, effling logo, 1 of 34, to move to item V, view return slash forms. V. Enter. My account Mozilla Firefox, 3 regions, 1 heading and 31 links. My account banner, banner, link graphic effling logo, navigation region. Links list dialog, links list view, effling logo, 1 of 34, my account. My account. Enter, no links. Blank, definition list of 1 items nesting level link view form 26 as tax credit. Enter. View form 26 as tax credit link. Loading dot 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 dialog. Loading dot dot dot. View form 26 as tax credit. Mozilla Firefox. 3 regions. Banner. Link graphic effling logo. View form 26 as tax credit heading level 1. Blank. You will be redirected to the TDSCPC website to view form 26 as tax credit statement. Blank. Disclaimer. Blank. This is to inform that by clicking on the hyperlink you will be leaving e-filing portal and entering website operated by other parties. Such links are provided only for the convenience of the client and e-filing portal does not control or endorse such websites. Blank. Confirm button. Enter. Mozilla Firefox read only. About blank. Traces view form 26 as welcome page Mozilla Firefox. Traces view form 26 as welcome page Mozilla Firefox. Click here. Link. I agree to the usage and acceptance of form 16/16 generated from traces checkbox not checked. Space checked. I agree to the usage and accept. Blank. Proceed button. Enter. Blank. Heading level 1 annual tax statement form 26 as is now generated from traces. Heading level 1 form 26 as contains details of list of 5 items, tax deducted by deductors on behalf of tax pay, tax collected by collectors on advance slash refund pay air trans list end. Blank. Form 26 as can be viewed by registering with traces or through net this facility or blank. Click. Link view tax credit form 26 to view your form 26 as. Enter. View tax credit form 26 as link. Traces form 26 as Mozilla Firefox. Heading level 5 for more details and heading level 5 communication details for traces can be updated in apostrophe profile section. However, these changes will not be updated in PAN database as mentioned above. Heading level 5 star star total TDS deposited will not include the amount deposited as fees and interest. Heading level 5 star star total amount deposited other than TDS includes the fees. Heading level 5 star defaults relate to processing of statements and wrapping the top select button. Combo box English. Select button, list of 4 items, link view slash verify tax credit, link register on traces, link e-verified services, link help, list end, blank, heading level 1 form 26 as, heading level 3 annual tax statement under section 2 and blank, table with 2 assessment year star, combo box select, enter, assessment year star combo box, 200910, 201011, 201213, 201415, 201516, 201617, 201718, 201819. Escape virtual select button. Enter call 201 select button. View as combo box select. Enter view as combo box. Select HTML. Enter select button.
Enter call 202. Select button. Link select apostrophe text or PDF to download form 26 as a desired format. Table end. Blank. View slash download button. Enter out of table. View slash download button. Loading please wait dot 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 dialog. 12 headings and 24 links. List of 4 items. Link view slash verify tax credit. Link register. Link e-verified. Link help. List end. Blank. Heading level 1 form 26 as. Heading level 3 blank. Table with 2 assessment combo box 2018-19. Select button. View as. Combo box HTF select button. Link select table end. Blank. View slash download button unavailable. Export as PDF button. Save file radio button checked. 2 of 2. To change the selection press. Open with radio button checked. 1 of 2. To change the select. Save file radio button checked. 2 of tab. Combo box horizontal. WinRAR archiver default. Tab. OK button to activate. Press spacebar. Enter. Traces form 26 as Mozilla Firefox. Dialog. File name. Edit combo. Beneath Nevesis. Noctis. Noeth. Fifskis. Erofish. DBB.zip. To set the value you tab. Save as type. Combo box. WinRAR zip archive star.zip. 1 of 2. To chain tab. Toolbar. Hide folders button. Tab. Save button to add. Enter. Traces form 26 as Mozilla Firefox. मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे CCPD रेडियो रान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो रान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0226683837। My son is 23 years old. He just graduated. Pata hai aapko? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. Hum saath to chalte hain, lekin he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, jaise playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. Bas gaye aur aa gaye. कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि विल देयर बी एनीबॉडी टू हेल्प हिम एट एवरी स्टेज इन हिज लाइफ। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। आई नॉमिनेटेड माय सन फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम। अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज। Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. Har kadam aasan hai. Ise badhaiye. Blind Graduates Forum of India ke mentorship program se judiye. Kuch log unki manzil tak pahunch rahe hain. उनके अनुभव का लाभ उठाइए। अगर आप स्टूडेंट हो और आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो इनकी गाइडेंस और डायरेक्शन आपके लिए वैल्यूबल है। कई फील्ड्स के कामयाब प्रोफेशनल से वन ऑन वन मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल होगी। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9892145699। ईमेल कीजिए contact@bgfi.in। गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन www.bgfi.in। अब आपकी भी मंजिल होगी।